उसकी ममता की शादी की सालगिरह, तो मैं ममता के लिए लाई हूँ सूट, ये देखो। ममता बड़ी दिक्कत हो रही है के लिए सरप्राइज, ये सालगिरह का है, इसकी तो बहुत जरूरत है हमें। बुलिया गिफ्ट दे, मगर मैं दीदी के जैसा कोई नहीं देता, वो सबको चाय बनाऊंगी और बाद में ही पहनूंगी मैं। ये खड़े फिट सही आया, दोनों की फिटिंग बिल्कुल सही आई। कितनी डराऊंगी मैं से पहन के। बहुत ही मुश्किल से मैंने ये टांगा है। गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गुड़गांव का देसी छोरा। थैंक यू। मैं बड़ी दुखी हो गई हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने ऊपर टांगा था, फिर नीचे गिर गया ये। और आज पूरा कमरा फैला पड़ा है, इसीलिए फैला पड़ा है क्योंकि आज मैं पूरी बदल रही हूँ सेटिंग कमरे की, घर की पूरी। ये देखो, सबसे पहले तो मैंने यहाँ से जूतों का रैक हटा के जूतों का रैक रख दिया वहाँ स्लिप पे, और इसके ऊपर ढकूंगी कोई पन्नी ताकि बारिश में कुछ गीला ना हो, ठीक है। और ये कमरा पूरा फैला हुआ है, ये कमरे का हाल देखो, ये कमरा पूरा फैला हुआ है। यहाँ कोने में से मैंने सारी जगह खाली करी है, यहाँ पे जो भी रखा था पेटी वेटी सब हटा दी, और अभी ये कमरे का हाल देख लो। और फिर अभी मैं इस कमरे को करूँगी अच्छा, और इसके अंदर मैंने बॉक्स मंगाए थे अपने ये सारे काकुल की किताबें विताबें पड़ी रहती है ना पूरी तरह इनके लिए, तो अभी मैं इसको खोल के दिखाऊंगी जब पूरा जोड़ दूंगी, फिर दिखाऊंगी मैंने कौन से बॉक्स मंगाए हैं, ठीक है। तो अभी मैं सारी सफाई कर लूँ, पूरा घर फैला पड़ा है, और उसको पूरे आदमी से को कहीं लटकाऊँ सही से, जहाँ से भी देख लूँ वहीं से एक डब्बा नज़र आ रहा है मुझे इसके लिए। काकुल ने मेरे को समझ नहीं आ रहा पढ़ती है कि ड्राइंग का काम ज़्यादा करती है। देखो एक डब्बा ये रहा, एक डब्बा ये रहा, एक डब्बा ये रहा, और इतना सामान भरा पड़ा है इसमें, इतना सामान भरा पड़ा है बहुत ज़्यादा। ये देखो अभी दिखाते हैं का सामान, ये तो भरा ही पड़ा है। ये देखो ब्रश पैन, यहाँ पे देखो पैन, ये भी पूरा सेट पैन का, अभी एक पैकेट अंदर भी रखा है पैन का स्टेबलाइजर, उसका ब्रश कलर, इतने सारे मोटी मोटी पता नहीं क्या क्या कर रखा है। और एक ये रहा, एक ये रहा, तीन तीन डब्बे, मैं संगवा संगवा के पागल हो रही हूँ, सबसे ज़्यादा काकुल का सामान मिल रहा है मुझे। थोड़ी हेल्प करने के लिए तो दिव्या मार रही है यहाँ झाड़ू, और हमने अभी पलंग फिलहाल यहाँ सेट किया है, बाद में पता लगेगा सही लग रहा है लग रहा। काकुल डस्टबिन यहीं खा लो। अभी भूख इतनी तेज लग रही थी कि सबर नहीं हुआ, दो पूड़ी मंगाई थी खा ली, उसके बाद याद आया मेरे को कि मैंने तो व्लॉग बनाया ही नहीं, तो मैंने ये भंडारा था बाहर से आया था, कर देखो कितना अच्छा वो खीर बना रखी है, इसमें इतना सारा ड्राई फ्रूट है बहुत सारा, और यहाँ चावल बनाए घर में मिर्च वाले, मैंने खाना खा लूँ। और पता है टाइम कितना हो रहा है, 3 बज रहे, और भूख के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा है, खाना खा लूँ उसके बाद। अभी बहुत काम पड़ा है, अभी तो ये पूरा कमरा पड़ा है और दूसरा कमरे में भी सारा सामान भी पड़ा है, तो खाना खा लूँ पहले, पेट पूजा फिर काम दूजा। अब मैंने ये कमरा कर दिया, दिखाती हूँ, आज मेरे को पूरा दिन हो गया। ये फिलहाल अभी ये जो थैले हैं ये जाएंगे, कपड़े हैं इसमें, दीदी के कपड़े सिले हुए हैं, ये दोनों थैले जाएंगे, इसलिए मैंने फिलहाल रख दिए। यहाँ पर मैंने बेड कर दिया है, यहाँ पर जहाँ पे पहले फ्रिज था यहाँ पे मैंने बेड कर दिया, और ये कपड़े फ्रेश होंगे इसलिए रखे हुए हैं। और यहाँ पर देखो यहाँ पे फ्रिज लगा दिया, ये मैंने ये काकुल ने मंगाया था, इसमें काकुल के थोड़े बहुत जो भी सामान होता है वो डाल रखा है इसमें। और यहाँ पे कर दी अलमारी, इधर इसका जो है मुँह इधर कर दिया अलमारी का, और शीशा भी इधर कर दिया। अभी ये सारी टोकरियाँ संगवानी है क्योंकि इसके अंदर सारा मेकअप का सामान है। अभी कुछ ही करा है, ये पेटी में पूजा का गिफ्ट रह गया था जो दिव्या ने दिया था, वो देना है, 2 तारीख को हम जाएंगे तो लेकर जाएंगे टोस्ट मशीन। अभी फिलहाल कमरा ऐसा कर दिया, सेटिंग चेंज
शाम के बज रहे हैं 5 और मैं गई थी मंडी। मंडी से क्या लाई हूँ मैं, ये दिखाती हूँ। तो आज है दिव्या, उसकी ममता की शादी की सालगिरह, तो मैं ममता के लिए लाई हूँ सूट। ये देखो, ये मैं ममता की एनिवर्सरी के सूट लेकर आई हूँ, येलो कलर का, क्योंकि ममता मेरे साथ एक बार जा रही थी तो ममता ने बोला था, दीदी देखो कितना प्यारा लग रहा है येलो कलर का सूट, अमित की हल्दी के लिए, जो मेरे देवर है अमित, उनकी हल्दी के लिए। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना उसे येलो कलर का सूट दे दे, तो मैं ये ममता के लिए लेकर आई हूँ येलो कलर का सूट, ठीक है। और अगर मैं मंडी जाऊँ और मैं घर के लिए कुछ ना सोचूँ, ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं ये लाई हूँ फ्राई पैन। फ्राई पैन टूट गया था, फ्राई पैन की डंडी टूट गई थी दिव्या से, तो मैं हमेशा कई सालों से फ्राई पैन लेती आ रही हूँ, लेती आऊँगी, तो मैं ये फ्राई पैन लेकर आई हूँ चाय के लिए। और ये मैं लाई हूँ दिव्या के लिए, ये कुर्ती मैंने दिव्या के लिए ली है। वैसे मैंने एनिवर्सरी पे, दिव्या की एनिवर्सरी पे मैंने दिव्या को भी दिया था सूट, जो कि मेरे ब्लॉग में पहले से हैगा, फिर भी मैंने सोचा चलो उसके लिए भी एक कुर्ती ले लेती हूँ, तो मैं ये दिव्या के लिए लेकर आई। ये दिव्या का है, ये ममता का है। ये जो है ये मैं काकुल को दिलाकर लाई हूँ। अब तो काकुल ट्यूशन नहीं जाती, काकुल घर में ही रहती है, घर में ही ऑनलाइन ट्यूशन करती है, तो इसी वजह से मैं इसके लिए ये लेकर आई हूँ, गर्मियों के लिए नाइट सूट, जो कि घर में अपने ये आराम से पहन सकती है, नहीं तो ट्यूशन जाने के लिए तो फिर अच्छा नहीं लगता कि बाहर नाइट सूट पहन कर जाए, तो गर्मी गर्मी के लिए मैं ये लेकर आई हूँ के लिए। और इसने अभी 2-3 लोवर और लिए, ये रखी हुई है इसमें, वो भी घर में पहनने की है। और मैंने बच्चों के लिए यहाँ पर लिए हैं, ये चीकू और अरमान आते हैं ऊपर, उनके लिए मैं टॉफ़ी का पैकेट लेकर आई हूँ, उनको थोड़ा लालच हो जाता है, तो मैं टॉफ़ी का पैकेट लेकर आई हूँ चीकू और अरमान के लिए, क्योंकि दोनों को लालच होता है मम्मी चीज़ देगी ऊपर जाएंगे तो मैं, इसलिए अच्छा लगता है मेरे को जब वो दोनों आते हैं उनको चीज़ देनी, तो उन दोनों के लिए टॉफ़ी का पैकेट लेकर आया, जो कि छुपा के रखूँगी, नहीं तो एक ही दिन में सारे खा जाएंगे। अभी तो ममता आई नहीं है, ममता गई हुई है अक्की को लेने के लिए, क्योंकि अक्की जो है घर पर रुक रहा था, रहने के लिए गया हुआ था छुट्टियों में, तो अभी ममता आएगी जब उसको एनिवर्सरी का गिफ्ट दूंगी, अभी तो आई नहीं है ममता, तो फिर जब आएगी जब उसका रिएक्शन दिखाऊंगी, उसको सूट कैसा लगा। और दिव्या को भी नहीं बताया मैंने अभी, क्योंकि दिव्या सो रही थी जब मैं आई थी, तो दिव्या को भी दिखाऊंगी सूट, फिर दोनों ही बताएंगे उनको सूट कैसा लगा। अभी जाके फ्रैपन दिखाऊंगी नीचे, फ्रैपन लाई हूँ चाय का, लाइव व्लॉग बनाते आ रही हूँ उसका, फ्रैपन का। ले ले, ये थैंक यू, मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है, ममता के लिए सरप्राइज, ये सालगिरह है, इसकी तो बहुत जरूरत है हमें, दुनिया गिफ्ट दे, मगर मैं दीदी के जैसा कोई नहीं देता, रोज सबको चाय बनाऊंगी, रोज सबको चाय पिलाऊंगी, इसलिए मैं अगर इसके ना आगे इसकी बनाती हूँ क्या हो, माता की चाय सारी बनेगी, फ्रैपन की टंडी मत तोड़ियो बस, वो टूट गई, मैं ठीक कर रही हूं, नहीं ये मेरा गिफ्ट है दीदी, लो अभी लगाऊंगी इसे, दूध गर्म करके पीना, अभी इसे टेबल पे लगाऊंगी, और मैं ये दूध गर्म करके दे दीजिए दीदी, तो देखो लक्ष्मी पूजा, जोड़ी जोड़ी राम बनाए जोड़ी, राम बनाए जोड़ी, ला देख ला, देख ले दिखाई देते हैं, मैं तेरे भी पूछ काऊंगी दीदी, दीदी बता रही थी डॉक्टर के कहीं ले असली गिफ्ट आने वाला, अरे भैया अरे भैया मैं तो पागल हो जाऊंगी, पीला पहन के इस पर तो मैं देख, मैं तो इस पर गजरा भी लगाऊंगी दीदी, फूलों वाला गजरा जो चल रहा है आजकल, अरे मैंने दिन बताया था दीदी, थैंक यू, उस दिन मैंने दिखाया था, मैं दीदी देखना मिक्स पान में ये वाली लूंगी ड्रेस, आप पूछ ले गए थे बाजार, नहीं मैं कपड़े बुरा हो, थैंक यू थैंक यू, ले मम ले दे बेटे, ले मेरी तो गई सालगिरह, सालगिरह तो गई, कोई बात नहीं है, दोबारा दोबारा आगे बैठी हो तेरे कुर्ता, ये नायना कट दी, मम्मी रो ये हंसती ऐसे ऐसे लगता है जैसे रो पड़ी है, ना अमित के बाद में जो सारे काम हो जाए तो जब बदल के पहनी हो, काम करने में तो होते हैं, अच्छा लग रहा ऐसा लग रहा है। देखो ये दिव्या के कुर्ता बिल्कुल सही आया, इसको फिटिंग कराने की जरूरत नहीं है, अभी ममता ने भी डाला है,
ममता पूरा पूरा सेट। देखो ममता को भी कुछ कराने की जरूरत नहीं है, दोनों को फिटिंग पूरी बिल्कुल परफेक्ट आई है एकदम। और ये स्पेशली मैं स्पेशली अमित के बाद में पहनूंगी इसको। और ये बात मैं पहले व्लॉग में क्या कही ऊपर कि ममता अमित के बाद में ही पहनूंगी मैं ये करे फिट। सही आया दोनों की फिटिंग बिल्कुल सही आई कपड़े। कितनी तरह आऊंगी मैं से पहन के सही लग रहा है वैसे। ये बाबू मम्मी की गोद में जाके पड़ी है। बाबू आए कल आए देखो निकल की और ये देखो अभी हमने क्या मंगवाया चाची से चौमी और ये डोसा। बोलो ये डोसा देख डोसा तो दिखा दो मुँह में। बहुत ही मुश्किल से मैंने ये टांगा है, मेरे को इतनी देर हो गई बहुत, मतलब मैं कह रही हूँ मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे मैं कितना कोई भारी आदमी टांग रही हूँ यहाँ। बड़े मुश्किल से टंगा है मेरे से ये, वो भी ऊपर सोच रही थी थोड़ा सा पर ऊपर तक मेरा हाथ नहीं गया, बस वो भी इस कुर्सी पे चढ़ के यहाँ पे ये टांगा है मैंने अब। और मम्मी पापा की फ़ोटो यहाँ पर लगाई है, इधर इनकी फ़ोटो ऊपर तीनों की फ़ोटो, यहाँ ज़्यादा अच्छी लग रही है वैसे वहाँ से। अब देख लो कितने दिन बाद, 15 तारीख को मम्मी की एनिवर्सरी थी, आज टंगा है ये इतने दिन से, आज 30 तारीख हो गए पूरे 15 दिन बाद, और वो भी मैंने टांगा है।